उत्तराखंड के अल्मोड़ा में पर्यटन विभाग होम स्टे के माध्यम से बेरोजगारों को रोजगार देने में जुटा हुआ है। होम स्टे को जहां बाहर से आए प्रवासियों ने स्वरोजगार का जरिया बनाया है, तो वहीं महिलाएं भी होम स्टे से जुड़कर आत्मनिर्भर हो रही हैं। बता दें कि जिले के अधिकतर होम स्टे पूरी तरह तैयार और यहाँ के होम स्टे पूरी तरह सुविधाजनक हैं। इनमें अधिकतर स्थानों पर नेटवर्क की कोई समस्या नहीं है। वहीं यहाँ आने वाले पर्यटकों को पहाड़ी व्यंजन देने की योजना है। यहाँ हमने ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे का संचालन कर रहे हैं। इसे मेरी माताजी संचालित करती हैं और यहाँ पे स्वदेशी विदेशी सभी पर्यटक आते हैं और यहाँ का लुत्फ उठाते हैं। हम यहाँ पे खासतौर पे पहाड़ी व्यंजन जैसे भट की दाल, कहत की दाल, ये सब पर्यटकों को सर्व करते हैं और हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो सरकार की जिस मदद को आप किस तरह से देखते हैं? सरकार की बहुत अच्छी स्कीम है, हमें उनकी तरफ से लगभग 30 लाख की हेल्प मिलती है वहाँ से और बाकी मतलब अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। वहीं जिला पर्यटन अधिकारी राहुल चौबे ने बताया कि अल्मोड़ा में कोरोना काल में भारी मात्रा में बेरोजगारों ने होम स्टे को रोजगार का जरिया बनाया। इसमें सबसे ज्यादा महिलाओं का योगदान है। कई जगह पर होम स्टे को महिलाएं खुद चला रही हैं, तो कहीं महिलाएं रसोई संभालकर इसे अपनी आजीविका का जरिया बना रही हैं। इन होम स्टे में पर्यटकों को पहाड़ी व्यंजनों को परोसा जा रहा है। वहाँ की लोक संस्कृति, वहाँ के खान पान, वहाँ के रहन सहन, वहाँ के आसपास के वातावरण से वो रूबरू होते हैं, तो इसमें महिलाओं का ही बहुत बड़ा योगदान रहता है। क्योंकि चूंकि पुरुष बाहर चले जाते हैं किसी अन्य काम में, किसी अन्य रोजगार में जो लगे हुए होते हैं, तो इस क्रम में हमारे जनपद में लगभग 200 होम स्टे ऐसे हैं जो संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें मुझे लगता है कि लगभग सभी होम स्टे ऐसे होंगे जिसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि घर की रसोई का ही खाना मेहमान को सर्व करना होता है, जो कि एक महिला द्वारा ही मुझे लगता है बनाया जाता है, और इसमें महिलाओं को काफी रोजगार भी मिल रहा है। बता दें कि जिले में अब तक 200 से ज्यादा होम स्टे बन चुके हैं, जिसमें से अधिकांश होम स्टे महिलाओं द्वारा संचालित हो रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए अल्मोड़ा से निर्मल उप्रीति की रिपोर्ट।